वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से आपने पोस्ट कर दिया अपनी फैमिली को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। वी आर हेयर इन काजा। आज है 20 जून 2021 एंड मौसम देखिए फिलहाल, ठंड ठंडी हवा चल रही है और थोड़ा क्लाउडी मौसम है, बाकी बस मज़ा आ रहे हैं एंड थोड़ा थोड़ा सांस फूल रहा है यहाँ पर। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय जय ठाकुर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KMT। तो कहाँ चलना भाई आज? कहीं ना भाई घूमने यहाँ चाहिए। आज करेंगे काजा एक्सप्लोर, क्योंकि लास्ट टाइम आया था जब मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था। और यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है एंड बुद्धा की मूर्ति है, वो भी देखेंगे। और यहाँ के फेमस हैं जो मोमोज, वो भी खाएंगे और काफ़ी इंजॉय हो रहा है जी। नहा धो को हो गए एकदम जी फ्रेश एंड अभी फिलहाल टाइम हो रखा है जी 9 बजे हुए हैं और अभी निकलते हैं सीधा वर्ल्ड एस हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। सो वहाँ पे भी थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, बट गाड़ी लेकर जाएंगे एंड ये अपने हेमू भाई। और रात को जो है ये छोटा सा हमने एक लिया था होम स्टे है, ये रूम नहीं है यहाँ पर आप लोगों को रूम अवेलेबल नहीं है, बट होम स्टे मिलेगा, फैसिलिटीज सभी हैं यहाँ पे एंड क्या खूबसूरत है यार देखना। और आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ जी, एक नंबर का। ये देखिए अभी धूप खिल गई है अपनी वादियों में और अभी आया है ना भाई, असली मज़ा तो ये देखिए। ये अपने राइडर भाई जाते हुए डोमिनोर हिमालय एंड रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 एंड हिमालयन। और ये उस सब क्लाउडी मौसम और ये इस तरफ बर्फ है सामने पहाड़ पर और कुछ इस तरह के यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं, ये मेरे को मालूम नहीं है, शायद बौद्ध धर्म से कोई ताल्लुक रखते होंगे। और ये देखिए बिल्कुल ब्लू स्काई एंड क्या मस्त लग रहा है यार ये वाला व्यू जो अपने पीछे में है, एक नंबर का व्यू बोस। और बस एक ही प्रॉब्लम है यार, बोलते हुए ना सांस फूल जाती है और बाकी सब बढ़िया जी। अभी परवीन नहाने के लिए गया है, हेमू रेडी हो गया है एंड अपना भाई भी रेडी हो गया है, रोहित भी। और अपनी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, इसको जो है थोड़ा क्लीन करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। मेरे वॉशरूम है इस तरफ यहाँ पे, ये देखिए अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो चलिए जी रेडी होकर चल निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम नहीं है इतना अपने पास, शायद आज हो सकता है 12 बजे के बाद में हम निकल जाए लोसर के लिए। और लोसर में जो भाई साहब ठंडी है का एहसास होने वाला है ना, भयंकर वाली ठंड है लोसर साइड में, क्योंकि मैं और हेमू तो पहले ही आए हुए हैं लोसर और स्टे भी किया था हमने। कैसा था भैया? बढ़िया, कितनी भयंकर ठंड थी इसकी तो भाई बोलती बंद हो गई थी वहाँ। भाई आजा भीतर आजा, चलो भाई पर्स यहाँ पे भूल गया, सारी आईडी उसमें रखी हुई है, कभी कहीं घूमने जाए और आईडी मांगने लगा तो फिर वापस आना पड़ेगा 20-30 किलोमीटर। और ये अपने बस की बात नहीं है बॉस, यहाँ पर सबसे टफ काम है वापसी आना। अरे यार देखिए ये पसारा तो देखिए, ये लैपटॉप चार्जर कैमरा चार्जर उस तरफ दिखा भाई दिखा, जब आए थे एक नंबर का रूम था, कैसे हो गए? ये हमारे भाई की किशन की सांस फूलती जा रही है और हमारी फूलती जा रही है। जो बात सही कही जी, सबकी फूल रही है, ये मेहनत बहुत कर रहे हैं इसके लिए, लाइट तो बनता है एक भाई, वाह भाई लोगर बनेगा यो। ये आईडी ले ली जी हमने, ठीक है एंड चलिए अभी निकल रहे हैं, ताला लगा दे भाई, कभी ये ताला लगता है रूम का। एक काम तो अच्छा हो गया, धूप निकल गई है। और ये क्या कर रहे हैं भाई? ये बंदे लोग क्या कर रहे हैं? ये किसकी हिमालयन लेकर भागेगा? टाइगर 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 है, ट्रंप टाइगर, ट्रंप टाइगर। बाइक खड़ी हुई है वहाँ पर, फोटो खिंचवाने लग रहे हैं भाई, ये पीछे से आ रही है गाड़ी इनोवा। हाँ मस्त आ रही है, मस्त आ रही है, देखा
कौन सी है भाई? ये अपने परवीन भाई, देखिए भाई। बेटे पहुंच दे। हेमू दिखाइए भाई, ये अपने हेमू भाई आते हुए। मैं वहां बेइज्जती कर देता हूं, बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। दिखा मेरे लिए। अरे कपड़े कपड़ा पहन लिया, नहा धो लिया। ये हमारे कृष्ण भाई। हाँ देखिए जी, दूर जाना भी आ रहा हूँ। भाई देख बात, रूम वाले भाई साहब से बात हुई है जी। लो सर अपना बंद है। लो सर सुन, बात सुन लेगा एक बार पहले मेरी बात। मैं बढ़ गया यहां तो तलना 20-22 किलोमीटर अप डाउन 20 पड़ जाएगा और 20 आने मतलब 40 बाइक से चल रहा है, सबसे बेस्ट है। बाइक का है रेंट पे कर ले बात, पूछ अभी वो भी ना पूछो तो बैठो रे बैठ गाड़ी चले और हवा लगे पूरा। ये देखिए आहा भाई साहब क्या खूबसूरती है, और इन्हीं के लिए फेमस है काजा पूरा विलेज। एंड ये 100 किलोमीटर के बाद एक फर्स्ट पेट्रोल पंप है। यहाँ पर भी कभी कभार तेल अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग है ना कैन जो है भर के लाए थे। ये बस ये वाला है जितने बाइकर्स जाते हैं ना जो मनाली तरफ निकल रहे हैं, लास्ट है बस यही एक। अरे वो ब्लॉक करने लगे बात बीच से बोल लग रहा। अभी जी थोड़ा हाईएस्ट पॉइंट पर आ गए हैं, एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है ये पोस्ट ऑफिस होने वाला है। बीच में से एक रास्ता पटा था, एक कौन सा गांव था ना? लांगजा विलेज था, और ये है कॉमिक विलेज। ये कॉमिक की तरफ जा रहे हैं, और फिलहाल मैं देख सकता हूँ भाई कितनी ऊंचाई पर है। ये देखिए जिग जैग करते हुए रोड जा रहे हैं पूरा, ये जूम लेंस नहीं है इतना। बट पहाड़ देखिए यार, सूखे पहाड़ है बट सीनिक व्यू है एकदम। ये देखिए होटल वाले। अभी कर रहे हैं फैमिली को चिट्ठी, पोस्ट करेंगे यहाँ से। मैंने तो अपने यहाँ से रखे मेरे साथ। सेकंड पोस्ट कार्ड है अपना, एड्रेस हटा, एड्रेस लिखूंगा मैं। अब इसमें एड्रेस नहीं दिखाना, लिखा हटा। पहुँचा था कितना दिन पहुँचा? गुड़गांव हरियाणा तक। हिमाचल क्या? हरियाणा। हरियाणा पहुँचे 10-12 दिन। मुलेर जी वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से अपने पोस्ट कर दिया अपनी फैमिली को। भाई 70 रुपीज। मुलेर जी हमने जी वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से जो है पोस्ट कर दिया है। 70 रुपीज लगे, 35 रुपीज पर पोस्ट है, क्योंकि ये मेरा जो है कार्ड एक खराब हो गया तो सेकंड कार्ड लिया था। हाँ यही है, चल तो खराब भी। और भाई रिकॉर्डिंग के लिए मैंने हेमू के लिए दे रखा था ये कैमरा, जो अगले बंदे ने रिकॉर्डिंग चालू नहीं की, पूरा जो पोस्ट वगैरह जो सब कुछ कर दिया। अभी करने वाला अपने भाई प्रवीण, एंड में लेने वाले फोटो शोटो, और आज यहीं स्टे करेंगे मतलब काजा में। और भाई इसको तो बंद कर दे, एक थम्स अप। ये जी प्रवीण का पोस्ट कार्ड, एंड फैमिली के लिए लिख रहे हैं। मैंने भी फैमिली के लिए लिखा है, लिख भाई फैमिली के लिए अपने। ले आओ एक एक पास पोस्ट कार्ड लिया देख दो यार, जैकेट गलत पहन रहा है, गर्मी है बहुत भयंकर गर्मी है भाई। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया जी, एक तो मैंने डाला पोस्ट, एंड एक प्रवीण और एक अपने हेमू भाई ने।
फैमिली के लिए लिखा है तीनों ने, क्योंकि फैमिली सबसे प्यारी है हम लोगों के लिए, अब लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है जी, और अभी जा रहे हैं कॉमिक विलेज, अभी तो ज़्यादा नहीं है, मतलब मेरे आई थिंक 106 या ऐसा कुछ है समथिंग, वो आप लोगों को बता दूंगा मैं वहाँ पर पहुँच कर, क्योंकि और जी उससे थोड़ा सा और ज़्यादा हाइस्ट ऊँचाई पर है वो जो अपना पोस्ट ऑफिस था वो था वहाँ। अब यार फोकस नहीं हो रहा, उस तरफ था वहाँ पे देख रहे हो, और हम जा रहे हैं जी और ऊपर थोड़ा। आया बाइक चढ़ा दी स्कॉर्पियो। उलट जी अभी फिलहाल हमें कौन सा है, कॉमिक विलेज, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज कॉमिक विलेज, इसमें 106 की आबादी है, और जा रहे जी नीचे की तरफ। अबे नीचे भी आयो तू, जा वहाँ से, मैं बेटा ऑफ रोडिंग ले रहा हूँ। ये देख जंगली इंसान, भाई इसकी कैप गिर गई यार कैमरा की, वो भाग गया जैसे ऊपर शॉट लेने के लिए दौड़ा गाड़ी की, तो एक जो है ना कैमरे का ये ऊपर का जो सिस्टम है नीचे चला गया, और इसका वहीं कर वहीं कहीं कैब गिर गया, वो भी वापसी में जाएंगे ना तब देखना पड़ेगा मेरे को, मिलता है तो ठीक है वरना टूट गया होगा पता नहीं। यार है यार इन, आपको बताया था कौन सा गांव है यार, गांव का नाम भी भूल जाते हैं हम तो, एंड बैक साइड में देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा ये जो बना हुआ है गेस्ट हाउस, आज कुछ भी लगा लो गेस्ट हाउस नहीं है। एंड देखिए ये पूरा विलेज है, सन सो ब्यूटीफुल गाइस। एक अपने बौद्ध धर्म में शायद ये होता है, ये अपने स्पीति की साइड में बहुत ज़्यादा है, इनको कोई मानता है घुमाने से, तो मैं भी देखूंगा एक बार तो घुमा कर। वो यहाँ पर फोटो शॉट चल रहा है अपने भाई लोगों का, एंड यहाँ के कुत्ते यार बड़े झकास है, पालतू लग रहे हैं वो, देखिए भाई वो सब मैन, थोड़ा मंदा बोल रहा हूँ उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल है ना बहुत ही ज़्यादा लो है यार। चलते हैं ऐसे, वर्ल्ड हाईएस्ट होम स्टे है ये, मैंने अभी पढ़ा है वहाँ पर बोर्ड पर, आप लोगों को पहले दिखा दिया होगा मैंने, और चलिए जी अभी फिलहाल हो गई है धूप एंड हवा चल रही है भयंकर वाली, और इसका वापसी में जाते हुए यार कैब और ढूंढना है बस, समस्या हो जाएगी वरना। मिल गई जी, और अपने स्कॉर्पियो का जो टायर उतर गया था पर बट मजबूत है टूटी नहीं है, तो अभी इसको लगाते हैं। वापसी आ गए एक काजा में, और भयंकर वाली धूप, बस सब डालना है इसमें डालेंगे डीजल, डीजल क्योंकि इसमें से है ना भाई डीजल बहुत ज़्यादा था है ना, अच्छे लग रहा है इसमें डिब्बे में से, और नीचे देखो क्या हो रहा है ये। ओए कैमरा देख, पूरा भाई डीजल की बदबू हो गई है पूरा इसमें, और ये हो सकता है थोड़े बहुत छोड़ देंगे इसमें बाकी तो फुल हो जाएगी इसे। और मनाली अपना है यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर। रोहित देखते हैं जी क्या करेगा, सवास सवास भाई सवास। चलेगी कुछ ना कह ले, दो रुपए तो काट के जब गिरनी पड़ेगी।
दो लीटर कर कर डाल लकाट से कूलर डाल दो रुक जा रुक 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 हाथ गलत गए मेरे चल चल रुक 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 ना घुमा हां ले 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 अरे योग लगा कर पी रही है रुक जा डर ले एक बार नीचे भाई डलवा दो फिर मिलूंगा पहुंच गए अपने होम स्टे ये है अपना छोटा सा होम स्टे वो भाई ओ भाई ओ भाई ललित जी ये वाला है अपना रूम एंड चाबी है चाबी किसके पास है बे टाइम हो रहा है जी एक एंड मॉर्निंग से हल्का खाना खाया ब्रेकफास्ट किया बस अभी जा रहे हैं जी लंच और ब्रंच दोनों मतलब ब्रंच कह सकते हैं ब्रंच करेंगे जी और थोड़ा काजा को एक्सप्लोर करेंगे लाल जी काजा गांव में और रेस्टोरेंट में रुके हैं पंजाबी ढाबा चार गोभी पराठे ऑर्डर किए हैं एंड उसके साथ में दही और चटनी वगैरह तो देखते हैं उसके बाद में क्या लेते हैं एंड भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर चलना एक तो धूप हो जाता है दूसरी बात सांस फूलने वाली तीसरी मिट्टी उड़ रही है धूल जैसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में कहीं और शाम को तो भाई ठंड अपने लिए क्लाइमेट आई नहीं है सही बता रहा हूँ अभी तो पीते हैं पानी फिर आपको खाना दिखाएंगे ओके बने रहिएगा ये खाना दिखाएगा तुम्हारा तबियत अपना परोठा आ गया जी और रोहित बताएगा अपना बोलिए बता भाई कौन सा अपना है ना रोहित जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा खाना आ चुका है पराठे आप इनको खाना चालू करेंगे इनको फिर आपको बताएंगे टेस्ट का कैसे लगते हैं पराठा तो बता किसका है गोभी गोभी का ले ठीक है और ये दही है साथ में दही है चटनी है ठीक है ये क्या ये छोटा सा चटनी है ये अचार है जी अपना पराठा आ गया ये रहे तंदूरी पराठा एंड के साथ में और ये दही शुगर डलवाई हुई है वो अचार है ये चटनी है और जी देखते हैं कैसा कैसे भाई कैसी ओए स्वाद कैसा है ठीक मस्त बढ़िया ठीक ठाक पैसा वसूल हो जाएगा भाई फिर तो भूख लग रही है खाते हैं जी राजा की गलियों में आपका भाई ब्लॉगिंग करते हुए और अभी भाई मोमोज रह गए हैं मोमोज जरूर ट्राई करेंगे आके क्योंकि वहाँ पर मिले थे नहीं एंड अंदर बैठने का स्टे नहीं है भाई इसमें वेज मोमोज धूप में बैठेगा छाए में तुम कहाँ बैठे हो भाई बहुत भयंकर वाली धूप हो रही होगी वहाँ छाए ढूंढ रहे हैं धूप में बैठने देखिए ये लोग ये महान महान आदमियाँ मैं भाई मैं आ गया ये रे धूप में बैठने वाले और ऐसी मानता कोई नहीं दिखाएगा जैसे मैं दिखा रही हूँ बहुत मान हूँ तो जी अभी निकल रहे हैं जी लोसर एंड इस कैमरे की जो है चार्जिंग थोड़ी कर लेते हैं फुल क्योंकि लोसर में ना लाइट का चांस कम है क्योंकि लास्ट टाइम मैं रुका था वहाँ पर लाइट नहीं थी तो इस बार शायद हो आई होप कि अपने मोमोज मोमो सॉरी मोमो एंड चटनी और ये सॉस और भाई मैंने सुना है यहाँ के मोमोज बहुत फेमस है उनको खा कर बताता हूँ जी कितने फेमस है थोड़ी चटनी डाल दो मस्त भाई बस अपनी हो चुकी है टी जाकर भाई अगर कोई काज जा रहा है तो मोमो जरूर ट्राई करना तीखे जरूर है पर बंदे खाते खाते नहीं जगोगे बुद्ध परमेंट से पानी पानी तीखा खानी है बंदा पानी पानी भाई अपने वहाँ पे मैं चटनी छोड़ता नहीं रहा और यहाँ खाने तक कभी मन नहीं कर रहा है लेकिन हाँ चटनी है ये देखो भाई से पूछो ठीक है बस बस ठीक है वेरी फाइन ये इसका रिव्यू कामयाब ना है मजा आ गया जरा यहां बोला नहीं पूरा ट्रिप में ये बोली कहां रहे हैं हमें ये भी हमें बोल रहे हैं ये बोल ही रहे हैं हटी सुमा कोर से देखिए इंसानों को कैसे बैठे भाई भीग ना मिलेगी भाई जी रोड पे जाएगी भीग नहीं मिलेगी भीग हां जी ये दिए दिया जी खीरे वीरे देखो जी सर कुछ है खुले सास ना जुड़ रहो चलो रियलिटी चेक भाई हो सास यार नहीं जुड़ता बिल्कुल और जो भाई संडे और अरे यार छोड़े सैटरडे संडे को बताना यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा सैटरडे संडे को पूरा क्लोज रहता है ये
खाजा पूरा विलेज है जो, एंड इसकी मार्केट भी, तो विजिट कर रहे हैं जो अपने खाना पीने का। भाई साहब मोमो जरूर खाना, और खाओ मत खाओ लेकिन मोमो जरूर खाना। भाई भाई साहब आसान नहीं है, इसके हम देखो जी 4 GB लगाएंगे मोमो। चेकआउट टाइम एंड फिलहाल टाइम और रखे हैं जी 4:45, मतलब 5 ही बज गए लगा लो। एंड हमें निकलना है लोसर, लोसर है 57 किलोमीटर यहाँ से, उसके बाद में जो मैं व्लॉग नहीं करने वाला बिकॉज मेरे को जो इसमें बैटरी परसेंटेज बचा के रखनी है। लोसर में ऐसा ही है, लाइट नहीं मिलेगी जहाँ तक है अपने एंटी यहाँ होम स्टे। थैंक यू आंटे, नेक्स्ट टाइम आएंगे। काजा कैसे लगा भाई? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। कति बढ़िया, कतई जहर है, जहर है। उसका तो पूछना बेकार है, उसके भी कैफियत तो पता ही है आपको। क्या कह रहे वो भी लोग ने लोग कहता है नहीं नहीं मैं बताऊँगा भाई, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो एक बार क्या कहूँ कहो भाई भूल को हाँ जी सर कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? लद्दाख चलेगा। कैसा बता, कैसा एक्सपीरियंस था, कहाँ जाएगा? बढ़िया है, बढ़िया। कति जाहिर, हाँ कति जाहिर। तो लड़ जी चलते हैं, ज़्यादा भी लोग वगैरह नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर लाइट की फैसिलिटीज बहुत ही कम होने वाली है। और भाई यहाँ पर रखी स्टैंड एंड वो फिलहाल ये डस्टबिन दिखा हमें यहाँ पे काजा से थोड़े निकलते ही। एंड ये देखो ये पूरा हमने जो है ना जितना भी प्लास्टिक है सब हमने अपने पास में रखा हुआ था गाड़ी में, क्योंकि यार पहाड़ों में ना गिराने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि नेचर को हम गंदा करेंगे तो नेचर प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अब कभी भी लाहौल स्पीति अगर सर्च मारोगे तो जो ये गांव देख रहे हो ना ये वाला निकल कर आएगा, ये है सबसे खूबसूरत गांव। इसकी तलाश में हम कल से भटक रहे थे भाई, आज पूछताछ करी तो पता चला कि दूसरे वाले रूट से जाओ अगर आप लोग सर जा रहे हो तब रास्ते में मिलेगा। एंड देखिए एक बार यार क्या खूबसूरत गाँव है ये। तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं लोसर की तरफ, क्योंकि लोसर यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर उस वाले रूट से जाते तो था 57-50 किलोमीटर, एंड इससे जाएंगे तो 10 किलोमीटर फालतू है, मतलब 67-70 किलोमीटर के लमसम है अराउंड। तो चलते हैं जी अभी। और राइट जी उस गांव का नाम मेरे को तो मालूम नहीं कौन सा भाई। सो जी ये कोई गाँव नहीं है, ये है की मोनिस्ट्री। एंड मैं गाँव का आ रहा था उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि अभी हमें याद आया ये मोनिस्ट्री है। और अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड इस तरफ से, वर्ल्ड के वर्ल्ड लगा लो इंडिया लगा लो कौन सा है, हाईएस्ट ब्रिज की तरफ जाने का। तो हम उस वाले रास्ते से भी जा सकते थे, वो सामने जो रास्ता है वहाँ पे, बट जब एडवेंचर करने आए हैं घूमने आए हैं तो यही हमने चुना। भाई ये हैं पहाड़ी हिरण भाई साहब, दिखेंगे या नहीं पता नहीं इस लेंस से यार। ये रे देखिए पहाड़ी हिरण है भाई, ये गाइस चिचम ब्रिज हाईएस्ट पॉइंट पर है ये पूरा, ये भाई हाई एल्टीट्यूड पर। और भाई ऑसम मैन, एक मिनट देखते हैं जी इसको। ये पूरी घाटी है इधर में, ये ऑसम मैन। इसके लिए हमने 10-15 किलोमीटर जो है अपने ज़्यादा बढ़ा दिए थे क्योंकि उस तरफ से निकल जाते तो ये देखने को नहीं मिलता भाई, एक नंबर। निकलते हैं एंड ब्रिज भाई खूबसूरत है, 10 किलोमीटर आना वर्थ रहेगा। कैसे लगा? सही लगा भाई, चल 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 साइड पर चल दे। गाइस अपने वहाँ पर है ना सर्दियों में बोते हैं गेहूँ वगैरह, यहाँ पर देखिए अभी हैं ये उगे हुए, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ होती है कुछ नहीं होता वहाँ उस तरफ, उसमें मटर एंड ये गेहूँ। वो अपना रोहित भाई गया फोटो लेने के लिए, और क्या खूबसूरत व्यू है यार यहाँ से। ये अपनी खड़ी हुई है वाइट बिल्ली एंड ना भाई ना बड़ी बात। ये जी
थोड़ा सा देखिए यहाँ कहीं हल्का हल्का दिख रहा होगा, जूम लेंस से थोड़ा ज्यादा दिख जाता बैठ। ये देखिए जी है गाय, वो शायद याक भी हो सकते हैं इनपे, एक मिनट अभी पता लगेगा। ये यार ये सारे याक है क्योंकि इनके जो बाल हैं जब बड़े हो जाएंगे। हेलो याक है याक, ये लंको है, लंको लंको ओक्स। मेहनती लोंडे यहाँ पर कुकर धोते हुए, क्योंकि यहाँ पर जाकर खाना बनाना है लोसर में। और ये अपने हेमू भाई गए थे यहाँ चढ़ने में, ये धो दे यार। लोसर लोसर में एक जी बड़ी मुश्किल से रूम मिल गया, एडजस्ट हो गए एंड चारों चार ये रहे हम। और ये छोटा सा रूम है अपना, ये देखिए बहुत छोटा है, बट ये लाइट है ना प्रॉब्लम कर रही है। चश्मा चश्मा भाई सांस खुला भाई, रात को -डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा। सो गाइस आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना है, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।